नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप लोग अपने आईफोन में ऑफलाइन सीरी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि वो अपने आईफोन में ऑफलाइन सीरी यूज नहीं कर पा रहे विदाउट इंटरनेट के। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेसर बताने वाला हूं कैसे आप लोग अपने आईफोन में विदाउट इंटरनेट के कैसे आप लोग ऑफलाइन सीरी को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पर आप लोग पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के साथ। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग आईफोन में विदाउट इंटरनेट सीरी को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक कर लेनी है अपनी सीरी की सारी सेटिंग्स। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे सीरी एंड सर्च में जाना है। सीरी एंड सर्च में जाने के बाद यहाँ पे आपको आपके ये तीनों टॉगल्स यहाँ पे इनेबल होने चाहिए। आप लोग मेक श्योर कर लेना, देख लीजिए आप लोग यहाँ से इन तीनों टॉगल्स को ऑन कर लीजिए। आप लोग मेक श्योर करिए कि आप लोग अपडेटेड हो अपने iOS वर्जन पे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने आईफोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन, वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन, उसके बाद यहाँ पे पावर बटन को होल्ड करके रखना है। होल्ड करके रखना है जब तक आपके आईफोन में एप्पल लोगो ना आ जाए। आईफोन को रीस्टार्ट करने के बाद जो हमारा यहाँ पे फोर्थ स्टेप है, आपको कंट्री एंड रीजन को सिलेक्ट करके रखना है। सेटिंग्स में जाना है, आपको जर्नल्स में चले जाना है। जर्नल्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है लैंग्वेज एंड रीजन में। उसके बाद यहाँ पे आप लोग जिस भी कंट्री में, तो आप लोग उसे सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों फोर्थ स्टेप को करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को आ जाना है अपने सीरी एंड सर्च में। फिर उसको एक बार यहाँ पे आपको टॉगल ऑफ करना है, उसके बाद यहाँ पे टॉगल ऑन करना है और यहाँ से आपको दोबारा सेटअप कर लेना है। दोस्तों सीरी को री इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको अपने आईफोन को एक और बार रीस्टार्ट करना है। वो आपको प्रोसेसर आपको दोबारा रिपीट करना है। वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन, उसके बाद यहाँ पे आपको पावर बटन को होल्ड करके रखना है जब तक आपके आईफोन में एप्पल लोगो ना आ जाए। तो आफ्टर रीस्टार्टिंग आईफोन, तो यहाँ पे हमारा जो सिक्स स्टेप है आपको ये फॉलो करना है। सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपके आईफोन में इनफ स्टोरेज हो, क्योंकि सीरी काम करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेस यहाँ पे जरूर मांगता है। तो यहाँ पे आप लोग मेक श्योर करके रखें कि आपके आईफोन में इनफ स्टोरेज हो वर्किंग के लिए, क्योंकि काफी बार स्टोरेज की वजह से भी यहाँ पे सीरी वर्क नहीं करता है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे सेवन स्टेप है, आपको एक्सेसिबिलिटीज में भी चेक करना है कि कोई इशू तो नहीं है। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटीज में जाके यहाँ पे सीरी में जाके आप लोग चेक करना है कि यहाँ पे सीरी यहाँ पे आपका इनेबल हो, यहाँ पे सेट ऑटोमेटिक पे टिक हो और लिसन फॉर हे सीरी यहाँ से आपको टॉगल ऑन करके रखना है हमेशा के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपने आईफोन की सारी सेटिंग्स को रीस्टार्ट करना है। आपको चले जाना है यहाँ पे आपको जर्नल्स में। जर्नल्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे ट्रांसफर और रीस्टार्ट आईफोन पे करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको रीस्टार्ट ऑल सेटिंग्स पे आपको टैप कर देना है और यहाँ से आप लोगों को अपने सभी सेटिंग्स को कर देना है रीस्टार्ट। दोस्तों अब मैं आपको शो कर देता हूँ कि हमारे आईफोन में सीरी वर्क कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं अपने सारे इंटरनेट कनेक्शंस को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने वाईफाई, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे इंटरनेट कनेक्शंस को ऑफ कर दिया है और यहाँ पे एरोप्लेन मोड पे भी मैं लगा देता हूँ आप लोगों के लिए। अब हम यहाँ पे सीरी टेस्ट करते हैं वर्क करता है कि नहीं। हे सीरी टर्न ऑन फ्लैश लाइट। हे सीरी टर्न ऑफ फ्लैश लाइट। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ऑफलाइन सीरी वर्क कर रही है। यहाँ पे अगर गूगल पर सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि गूगल पे अगर आप सर्च करते हो वहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ऑब्वियसली ये चीज तो आपको पता ही होगी। तो इन सब सेटिंग्स को करने के बाद भी अगर आप लोगों के आईफोन में ऑफलाइन सीरी वर्क ना करे तो आप लोग अपने एप्पल सपोर्ट पे जा सकते हैं या फिर आपको एप्पल स्टोर पे जाके आप लोग ये प्रॉब्लम चेक करवा सकते हैं किसी भी असिस्टेंट से जाके, तो वो लोग आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। दोस्तों आई होप यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना, क्योंकि आने वाली वीडियो से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना अगर उनको भी प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ तुम्हें एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए।